समाज जिस दिव्यांग लोक आए लोक समाज कारण कि सत् चिंता पारे पारे अनगत भविष्य कारण कि भल कथा भाव पारे आम जी आज प्रतिबेदन जी आम साक्षात्कार प्रकाश करम यार पास अपनी निश्चय कबले बाध्य हम सचाक दिव्यांग लोक समाज एक अविच्छेद्य अंगरूपे परचित क्यों जी महामारी करोनार काल चलि महामारी करोनार समय राज्य जी एक अभावन परिस्थिति सृष्टि यह परिस्थितिर समय मुख्यमंत्रीगढ़ जनसाधारण हितर कारण भैक्सिन क्रय कारण जी अनुदान आगे जी अनुरोध कर सहारि जाना मुख्यमंत्री हाथ कई हजार टकाओ अनुदान दी एया डांगर कथा बुली विवेचित क्यों दिव्यांग लोक जिस लोक राइजर सहय सरकार सहय करने समय यह लोक लोक राय सरकार सहय कर विषय तो विशेष तात्पर्य बहन कर कथा पाबले चेस्ा करक प्रथम स्वागत जानसो अपने इने सत् सिद्धान लैसे जार बारे आज स्वदेशे प्रशंसार पत्र कि कब प्रथम मैं ईशान निज़क धन्यवाद जानसो जो आमार कार्यसूची तो आम जीख कार्य करते कार्यसूची राइजर सम्मुख दांगी धरार अपना प्रयास करें कथा तो एने मुख्यमंत्रीगढ़ जी समय दायित्वभार ग्रहण कर समय आसलते राज्य जी परेश आज आसल संकटर मुहूर्त तखे मुख्यमंत्री दायित्वभार ग्रहण करे और संकटर मुहूर्त समय तखे कैसे जो मैं यू जनसाधारण आंदोलन परिणत करम जनभागीदार भी कैसे मानने सको जनत मानने करोनार विरुदे जी जगरण जनजागरण हम जनजागरण सको मानने सक्रिय हम और तार कारण अंशीदार हम लगे आम जीतु आम प्रतिबंधी व्यक्ति हलो आम मानने समाज अविच्छेद्य अंग आमार भोटाधिकार आए आम भोटाधिकारों मूल्य थके एक समय आम कौन 2014 सन में भारत प्रधानमंत्री डांगरिया आया शासन आतीबंधी व्यक्ति दिव्यांग नामे अभिहित करे और तखे एट कथा कैसे सबका साथ सबका विकास सकलोके लगत विकास साधन हम गति के आम जो विकास साधन तखे चिंता करें गए आम समाज चिंता हाँ बहुत दी नो कस लाख दी 20 लाख दी कि आम संगठन एक लाखक अधिक सदस्य आज दिन आज 9 लाख मानु आज तार भर 1 लाख प्राय 10 हजार सदस्य आज दिन आम सक्रिय होने परशी दिना जो परशी दिना आम मुख्यमंत्री कार्यालय जोजुग करी दी पारो निकी और इतिपूर्वे आम जब शुभचिंतक आ तक कथा बता पाती पाती पे आम मुख्यमंत्री विषय तो मानने आम व्यवस्था कर दूम कहे परशी दिना आम आहान दी ततक कल रातिपर भर अपना जाने जो एबजार भर गोटे दुकान पहार बैंक टैंक बंद हो जाए गति के एक बजार भर आम 1003 व्यक्तिर आसलते धन आम हाथ पड़े और लगेगे एक बजे अकान समय थकते आम ड्राफ्ट काटिश और सन्धिया 6:30 बजा आम जी मुख्यमंत्रीगढ़ आमंत्रण जानसे आम तक गई आम 1003 व्यक्तिर 50,150 धन आम जमा करते आम 1000 व्यक्ति जी जी 1000 व्यक्ति आम धन कल जमा करनराशि जिकज व्यक्ति जमा दी से नाम ठिकना जिला फोन नम्बर और सही सम्बलित आम जी गोटे एन मानने दस्तावेजर निचना करक मानने गोटे कागज खी आम मुख्यमंत्री डांगरिया हाथ अर्पण कर मुख्यमंत्री डांगरिया ज्ञात हमको कौन मानुे दी तमें तक जो 50 टका 50 टका तो लिखा है सकोख लिखी पे आम स्पाइरल बाइंडिंग करके हाथ दी मुख्यमंत्रीगढ़ निश्चित भावे अपना जो पदक्षेप खूब प्रशंसन आसल जिस सचिव केनेक अनुभव करकट कल राइजर राइजर सहायर कारण आपन दिव्यांग लोक 10 टका हमको 20 टका हमको ना आसलते आज सकते सूखी अपनी जानवे मैंने आचरीत हम कल मैंने दी गई मोर लगे असंख्य मेसेज आए मैं ह्वाट्सएप अन कर मेसेज मैंने भर्ती हो गए कल फोन जम हो गए कि सकोए एट क्या कैसे सर आम दीम कारण सौ 1 लाख सदस्य 1 लाख सदस्य जो अपना 10 हजार सदस्य फोन मैंने मेसेज दिए कैनक अवस्था हम और आज रातिपर आनी जो चाय प्रत्येक मोर आनक फेसबुक कैसे सर आम के दीम इतना आम कथ तो 1000 मानने 1000 एदीन इतना गए 10 दिन भर आम 1 लाख मानु अटोमेटिक दी आम सकते मैंने सहयोग करें आगे आम क्या आम क्या 100 टका दिए क्या 1000 दिए कैनक ना आम मिनिमाम एमाउंट मेक्सीम 50 टका क्या जो नारे 10 टका दी पे कि मेक्सीम 50 टका आम धरी तक बेसि ये दी दिया ना कारण आम सामर शक्ति चाहे भक्ति आम आसलते आम ये आमारों इच्छा आज ये कथ प्रकाश कर आमी नए आमार माने आमार कमके दिब पारो कारणे आमी निदिम आमार मेन कथा आछे मनर इच्छा तो आमार मनर इच्छा तो मुख्यमंत्रीगढ़ आगत आमी बा राइजर आगत प्रकाश करिछो राइज सचेतन होक एइटु कथा नहय
যে আমি সরকারখনে কিবা নকৰিবে বা কিবা এটা পোৱা নাই তাৰ কাৰণে আমি বিৰোধ কৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি সরকারক এই সময়ত সহায় নকৰিম এনেকুৱা নহয়। এইখন এখন মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ, গতিকে এই যুঁজখনত জয়ী হ'বলৈ হ'লে আমি সকলোৱে একাত্ম হ'বই লাগিব। ইয়াত সংগঠন, দল, বিৰোধী বা চৰকাৰ বুলি কোনো কথা নাই, সকলোৱে মিলি এই যুদ্ধখন আমাৰ জয় কৰিব লাগিব। আৰু আজিৰ দিনটোত প্ৰত্যেকগৰাকী আমাৰ প্ৰতিবন্ধী ভাই ভনীয়ে, আচলতে একলাখ বুলি মই যে কৈছোঁ একলাখত কৰিব অধিক হ'ব, প্ৰত্যেকগৰাকী ভাই ভনীয়ে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা যোগাযোগ কৰি আছে। আমি আকৌ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত হয়তো আৰু কিছু সংখ্যক ব্যক্তিৰ আমি আকৌ জমা কৰিম। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি কৈ আছোঁ, আৰু সকলোকে ভাল কথাটো কি জানে, আমি গৈছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক সাহায্য দিবলৈকে, তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা, আমাৰ লগত বহুত সময় মানে আচৰিত পাব আপুনি, যিটো সময়ত তেখেতে এক মিনিট বা দুই মিনিট কথা পাতে, সেইখিনি সময়ত প্ৰায় 12-15 মিনিট সময় আমাৰ লগত কথা বতৰা, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ঘৰুৱাভাৱে আলোচনা কৰিছিলে। আৰু তেখেতে আমাক আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে যে অতি শীঘ্ৰে গোটেই কামখিনি তেখেতে কৰাৰ কাৰণে, আমি কিন্তু কামৰ কাৰণে যোৱা নাছিলোঁ, আমি গৈছিলোঁ যে আমাৰ সদিচ্ছাটো প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে। গতিকে তেখেতেও আনন্দিত হৈছে যে এই আমিও যে আগবাঢ়ি আহিছোঁ, তেখেত আনন্দিত হৈছিল আচলতে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ যি প্ৰশংসনীয় কাম, এয়া হৈছে সদৌ অসম প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সন্থাৰ সভাপতি নৃপেন মালাকৰ। মই পুনৰ কৈছোঁ যে সমাজৰ যি এইসকল অবিচ্ছেদ্য অংগৰূপে আমাৰ সদস্যৰূপে পৰিচিত প্ৰতিবন্ধী লোকসকল, এই মহামাৰী কৰোণাৰ সময়ত আচলতে নিজৰ জীৱনৰ কাৰণে, এমুঠি অন্ন বস্ত্ৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে হাহাকাৰ কৰিছে, কিন্তু মহামাৰী কৰোণাক প্ৰতিহত কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে যি আহ্বান জনাইছে তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে যি যোগাত্মক সঁহাৰি জনাইছে, নিশ্চিতভাৱে প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছে। হয়,